अक्सर हम अपने घर पर बने मंदिर में एक से ज्यादा मूर्तियां स्थापित कर लेते हैं। कृष्ण की एक से ज्यादा मूर्ति या गणपति या किसी भी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति हम मंदिर में रखने से एतराज नहीं करते और अपने मंदिर को भगवान की मूर्तियों से बेहद खूबसूरत तरीके से सजाते हैं। लेकिन इस जन्माष्टमी आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अगर आपके मंदिर में एक से ज्यादा कृष्ण मूर्ति है तो आपको क्या करना है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस जन्माष्टमी पर 5000 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है। इससे 5000 साल पहले ऐसा ही संयोग बना था। ये संयोग बेहद खास है, बेहद लाभदायक है। इस संयोग में की गई पूजा 4 गुना फल देगी, लेकिन इस संयोग में की गई एक गलती 4 गुना ज्यादा भारी भी पड़ेगी। इसीलिए आपको यहाँ सतर्क कर दें कि आप नई मूर्ति की पूजन के चलते पुरानी मूर्तियों का पूजन ना छोड़ें। जी हाँ, इसे बेहद अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि अगर आपके पास कोई नई मूर्ति हो तो आपको पुरानी मूर्ति का पूजन भी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे में आपके पास जितनी कान्हा मूर्ति है उन सभी को माखन मिश्री तुलसी डालकर जरूर खिलाएं। सभी को नहलाएं धुलाएं, हो सके तो वस्त्र पहनाएं, सभी मूर्तियों का पूजन करें, सभी मूर्तियों के पांव छुएं और जन्माष्टमी के दिन उन सभी मूर्तियों को नमस्कार करें। कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है। कथा सागर डेस्क रिपोर्ट। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।